तो यहाँ पास अपने पास फ्लेयर गन है, इसको हम ऊपर की तरफ फायर करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एयर ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हो एयर ड्रॉप आ चुका है, तो यहाँ से हमको लूट मिलती है। तो इस ज़ॉम्बी ने अभी मेरे को मार दिया था और अभी मेरे को खा रहा है, और फिर भाई इसने फेंक भी दिया, इतनी बेइज्जती कौन करता है। तो अभी इसको हम हेडशॉट देंगे, भाई साहब हमको मार के खाया इसने। तो आप देख सकते हो कितना कमाल के एनिमेशन हुआ और इसका हेड गायब हो गया। इवन यहाँ पास अगर आप हेड की जगह पैर पे मारते हो तो पैर अलग हो जाता है और ये ज़ॉम्बी नहीं मरता, फिर ये बिना पैर के कुछ इस तरीके से क्रॉल करेगा और आपके पीछे आएगा। इवन ये जो पैर है वो भी मूव करता है। तो हे गाइस वेलकम बैक, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बहुत ही कमाल के गन्स एंड वॉरफेयर एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट पी एंड बेडरॉक एडिशन। ये है पार्ट 2, इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, बहुत पहले आया था। यहाँ पास आप सामने एक एग्जाम्पल के लिए गन देख सकते हो, कितनी कमाल की गन है और बहुत सारे एनिमेशन होते हैं एंड ऐसी पता नहीं कितनी सारी गन्स मिलेंगी और टोटल 5 एडवांस होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 5th मॉड से। जो हमारा 5th नंबर का मॉड है उसका नाम है MC बैटल ग्राउंड्स, नाम से आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के कवर मिलते हैं, ऐसे आप कवर ले सकते हो और ये मॉड इंस्पायर है पबजी से, मतलब आपको बहुत सारे उस गेम के आइटम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप हीलिंग वगैरह देख सकते हो। साथ में यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक, इसके बाद यहाँ पे ये गिली सूट ये भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही औसम है। उसके बाद यहाँ पे 3 अलग आइटम्स मिलते हैं जो कि स्प्रे पेंट के कैन हैं, इनको आप थ्रो कर सकते हो और इनका एक और यूज़ है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनको थ्रो करने के बाद अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो ये ब्लास्ट होते हैं, तो आप इनको ब्लास्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बाकी एक ग्रेनेड भी ऐड होता है एकदम पबजी ऐसा ही, तो जिसको आप थ्रो करोगे तो इस तरीके से ब्लास्ट होगा, ये भी बहुत ही कमाल का है। देन जो स्प्रे पेंट कैन है उनका दूसरा यूज ये है कि आप किसी भी गन को कलर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऑब्वियसली पबजी से इंस्पायर्ड है तो इसके अंदर फ्लेयर गन तो होगी ही, तो एकदम इस तरीके से आपको फ्लेयर गन मिलती है जो कि बहुत ही कमाल का टेक्सचर और जो मॉडल है बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप फायर करोगे इसको तो ड्रॉप भी आपका आ जाएगा, यहाँ से आप गन्स वगैरह ले सकते हो, बहुत कुछ मिल जाता है। देन फाइनली अब बात करते हैं गन्स की। मैं ऑनेस्टली बताऊँ इस मॉड के अंदर जो गन्स हैं उनका टेक्सचर और मॉडल इतना अच्छा नहीं है, बाकी कुछ फीचर्स थे जो कि अच्छे थे इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है, बट इसकी जो गन्स का मॉडल है और इसकी जो गन्स का टेक्सचर वो इतना अच्छा नहीं है। बाकी ये एक गन है जो RPG है, इसका जो डैमेज है जो ब्लॉक डिस्ट्रक्शन है वो तो नीचे आप देखो छोटा सा है, बट जो डैमेज है वो ऊपर तक आता है। बाकी हाँ, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी जनरेट होते हैं जिनके अंदर आपको लूट क्रेट मिलती है, जिसके अंदर आप जाके लूट कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड होते हैं इसके अंदर जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी कुछ नए NPCs या फिर मॉब्स भी ऐड होते हैं जिनके पास गन और आर्मर होता है, ये भाई बहुत जल्दी आपको फिनिश कर देते हैं, तो सर्वाइवल मोड में इनके सामने देख के जाना। तो ये आपको नॉर्मली हर जगह पे स्पॉन होते मिल जाएंगे, इनको आप मार सकते हो, और एक बढ़िया फीचर है इनको मारने के बाद आप इनको 3 स्टेप में लूट सकते हो। 3 बार आप इनके ऊपर क्लिक करोगे बटन आएगा तो आप इनको 3 बार लूट सकते हो और 3 बार आपको डिफरेंट टाइप की लूट मिलेगी, तो ये बढ़िया फीचर था पता नहीं कैसा। और हाँ, इसके अंदर एक और फीचर मिलता है जो कि क्रॉलिंग का, आपको क्राउच होना है तो आप क्राउच होने की जगह यहाँ पे क्रॉल हो जाओगे, तो ये भी फीचर है इस मॉड के अंदर। तो बाकी अब बढ़ते अपने नेक्स्ट एडॉन की तरफ। जो हमारा 4th नंबर का एडॉन है इसका नाम है इंडो आर्सेनल वेपन पैक। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेपन्स तो नहीं मिलते लेकिन जितने भी मिलते हैं बहुत ही औसम मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आर्मर टाइप का मिलता है, आप देख सकते हो हेलमेट वगैरह जिसको आप पहन सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं गन्स की। तो गन्स को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो फायर करेगी ऑब्वियसली, और सामने आपको एमो लिख के आएगी, जब वो खत्म हो जाएगी नो एमिनेशन लिखेगा। उसके बाद इसकी जो बुलेट है या फिर इसकी मैगजीन आपकी इन्वेंट्री में होगी, लॉन्ग प्रेस करोगे तो रिलोड भी हो जाएगी। एनिमेशन वगैरह बहुत ही औसम है, क्राउच करोगे तो स्कोप भी ओपन हो जाता है, और बहुत सारी गन्स हैं और जो भी गन्स हैं बहुत ही कमाल की हैं, और साउंड वगैरह भी बहुत ही औसम है। यहाँ पे आप स्नाइपर को देख सकते हो और बहुत ही कमाल की गन्स हैं, सारी गन्स तो नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडॉन की तरफ। तो जो अपना 3rd एडॉन है उसका नाम है आर्म टेक्नोलॉजी ऑफ ALF, यहाँ पास चाइनीज में कुछ लिखा हुआ साइड में पता नहीं क्या है। तो यहाँ पास आपको हॉट बॉल में 3 स्पेशल जो स्लॉट हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इतनी सारी गन्स हैं, गन्स बहुत नहीं हैं बट जितनी भी हैं बहुत ही कमाल की हैं। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले वेक्टर है, इसको आप जैसे ही किसी भी गन को पकड़ोगे तो साइड में उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और उसका डायग्राम बन जाएगा, और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है प्लेयर का। इसके बाद जो इसका फायरिंग वगैरह है बहुत ही कमाल का है, जितने भी एनिमेशन है बहुत ही औसम है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउच करने पे स्कोप ओपन होता है, और यहाँ पे जो लास्ट पास होता है उसका एक स्पेशल यूज है, जैसे कि यहाँ पे एक स्कोप है। तो अभी देखो ये मेरे पास गन है, इसमें स्कोप नहीं है, बट जैसे ही मैं उस स्कोप को अपने लास्ट वाले हॉट वायर के स्लॉट में रखूंगा तो यहाँ पे इस गन के ऊपर एक स्कोप लग जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, एकदम यूनिक वाला, मतलब सभी मोड के अंदर आप ऐसे गन के अंदर स्कोप को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पास एक हीलिंग का भी मिलता है,
आइटम जिसको कि आप हील करने के लिए यूज कर सकते हो। और यही नहीं, इस एयरगन के अंदर एक और एक्सेसरी है जो कि ये डॉल टाइप का कुछ है, तो इसको आपको उसी वाले लास्ट वाले स्लॉट में रखना है हॉटवायर के। तो यहाँ पर जो वेक्टर गन है उसकी स्किन चेंज हो जाएगी, एक पिंक कलर की स्किन आ जाएगी। बाकी ये जो स्किन चेंजिंग वाला ये बहुत ही ऑसम है, बाकी इसके अंदर बहुत ही कमाल की गन्स है, आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एड ऑन की तरफ। ओके सो जो अपना नेक्स्ट एड ऑन है वो है सेकंड नंबर का, उसका नाम है स्टॉकर गन्स एड ऑन। इसके अंदर इतनी सारी गन्स एड होती है, बट उससे पहले यहाँ पास इतने सारे आर्मर एड होते हैं डिफरेंट टाइप के जिनको आप पहन सकते हो। उसके बाद बहुत सारा आइटम एड होता है, पता नहीं इसका क्या यूज है, बट हम फोकस करेंगे गन्स के ऊपर। गन्स आप देखो कितनी ऑसम लग रही है इनका टेक्सचर, क्योंकि यहाँ पे एक मेटालिक फिनिश आती है। तो सारी गन्स को मैं इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कितनी कमाल की गन्स है, एकदम आइटम का टेक्सचर ही देख के इतना ऑसम लगता है। और ये गन्स आप देख सकते हो का टेक्सचर और मॉडल बहुत ही रियलिस्टिक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो एकदम मेटालिक फिनिश आती है जो कि बहुत ही ऑसम लगता है देखने में। उसके बाद बहुत सारी गन्स हैं इस एडोन के अंदर, पूरी इन्वेंट्री फुल हो जाती है, बस थोड़ी सी जगह बचती है। और बहुत डिफरेंट टाइप की आपको गन्स यहाँ पास देखने को मिल जाएंगी, और इनका फायरिंग एनिमेशन साउंड वगैरह बहुत ही कमाल का है। इतनी सारी गन्स को नहीं दिखा सकता, आपको पता है, कुछ गन्स आप देख लो यहाँ पे, तो आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी आप बढ़ते अपने नेक्स्ट एडोन की तरफ जो है अभी का लास्ट एडोन और अभी का सबसे मस्त एडोन होने वाला है इन पांच में से। तो फाइनली अब आता है हमारे वीडियो का सबसे नंबर वन का या फिर लास्ट का एडोन, जिसका नाम है रेडियम्स ऑर्नामेंट। सबसे पहले इसके अंदर फॉग एड होता है, तो आपका नॉर्मल माइनक्राफ्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके ऊपर मैं अपना जो सेटअप पैक है उसको लगा दूंगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं यूज करता हूँ। इसके अंदर कुछ नए ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं, बाकी ये रेडियम के ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ऐड हुए हैं, मैं यहाँ पास आपको चार दिखा रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे ऐड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जितनी गन्स आपको देखने को मिले हैं ये सारी गन्स ऐड हुई हैं, बट उस सबसे मेन फीचर ये गन होल्ड है, इसको आप प्लेस कर सकते हो, फिर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो गन इस तरीके से होल्ड हो जाएगी, जो कि बहुत ही ऑसम लगता है देखने में। बट ये सब सेकेंडरी था, सबसे मेन है गन्स। आप देखो कितना ऑसम टेक्सचर या फिर जो मॉडल है बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, बहुत ही डिटेल से बनाया गया है, और इतनी सारी गन्स हैं जो कि बहुत ही कमाल की लगती हैं। बट उससे पहले हम ग्रेनेड को देखते हैं, ग्रेनेड को पकड़ते ही ग्रेनेड को टॉस करता है, एक बहुत ही ऑसम एनिमेशन होता है। देन उसके बाद जब आप ग्रेनेड को थ्रो करोगे यहाँ पे टाइमर भी चलता है, ये बहुत ही रियलिस्टिक लगा, और जैसे आप थ्रो कर दोगे तो फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको थ्रो नहीं करोगे टाइमर खत्म होते ही आपके हाथ में ब्लास्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक फीचर लगा, और भाई टाइमर वाला तो सही में बहुत ही कमाल का फीचर है। तो एक बार ग्रेनेड को फ्रंट से फेंक के देखते हैं, ये देखो इस तरीके से एनिमेशन होता है, और अगर मैं नहीं फेंकूंगा तो मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा, और भाई ब्लड के आप पार्टिकल देख सकते हो कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। तो अब सबसे मेन टॉपिक जो है गन, यहाँ पे आप सारी गन्स को देख सकते हो, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। बाकी इसके बिहेवियर पैक के अंदर एक सेटिंग भी मिलती है, जिसके अंदर जो इसके अंदर नए मॉब्स ऐड होते हैं या फिर नए एनपीसीज ऐड होते हैं उनकी सेटिंग को, स्पॉन सेटिंग को आप यहाँ से चेंज या फिर मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक टारगेट भी ऐड होता है जो कि बहुत ही ऑसम है, इसको आप जैसे इसके ऊपर शूट करोगे तो अगर आपकी बुलेट यहाँ पे हिट होगी तो ये नीचे डाउन हो जाएगा, देन थोड़ी देर बाद ये उड़ जाएगा। देन यहाँ पे कुछ जो नया एनपीसी है उसके पार्ट ऐड होते हैं, जिनको आप प्लेस करके एम की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि भाई बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद आप देखो ये थोड़ी देर बाद आपका टारगेट फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से आप इसको शूट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही है एम प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये हैं नए मॉब्स या फिर नए एनपीसी जो कि जॉम्बी जैसे हैं, और ये प्लेयर के साथ साथ मॉब्स को या फिर एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं, देन उनको खा जाते हैं भाई मारने के बाद। जैसा कि यहाँ देख सकते हो अगर मैं एक शिप को स्पॉन करता हूँ तो ये उसके पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसको मारेंगे, और जॉन्स जॉम्बी उसको मारेगा, वो उसको मारने के बाद खाएगा भी, और फिर उसके बाद उसको फेंक देगा क्योंकि उसका पेट भर जाता है। तो इसको तो भाई खतरनाक शॉट मारना पड़ेगा, तो इसको सीधा मारेंगे हम। तो ये देखो भाई सब उड़ के सीधा पीछे गया है, और इसका हेड भी फिर से गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कूल इफेक्ट इस मॉड के अंदर ऐड होते हैं, और इन मॉब्स के बहुत ही फीचर्स हैं, जैसे कि इनका पैर अलग हो जाता है या फिर इनका सर फट जाता है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर इनको आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम गन के ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक कुछ गन्स को तो आपने चलते हुए देख लिया होगा, बाकी कुछ गन्स को आप यहाँ देख सकते हो, सभी गन्स को नहीं दिखा सकता। तो क्राउच करने पे यहाँ पे जो स्कोप है वो ओपन होता है, आप यहाँ पे टारगेट ब्लॉक्स को मार सकते हो। रिलोड करने के लिए बस इन्वेंट्री में इनकी जो मैगजीन्स है वो होनी चाहिए, देन जैसे ही एमो खत्म होगी आप लॉन्ग प्रेस करोगे रिलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आई थिंक वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इसलिए आप एडोन को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना सभी गन्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।